मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। आज का जो प्लान है, आज कितना किलोमीटर जाऊंगा अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, तो निकलने के बाद ही बताता हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8। ये सब सामान सब कुछ लोड हो चुका है, सामान बढ़ गया एक्चुअली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान ऑर्डर कर लिया था और अभी तो थोड़ा हैवी भी हो गया। पहले ये नहीं था, ये था सिर्फ, अभी ये भी घुस गया है इसके साथ। यही होटल पे मैं रुका था लास्ट टाइम, जितना बार भी सिलीगुड़ी आया उतना बार इसी होटल पे रुका। वो जो गेट देख रहे हो ये वाला, ये पार्किंग का जगह है। निकलते, आज लेट हो गया बहुत। अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे जाऊँगा, कुछ खाऊँगा, उसके बाद सिलीगुड़ी से निकलूँगा। आज जितना दूर जा सकूँ उतना दूर जाऊँगा। अभी टाइम हो चुका है 8, तो कल बहुत लेट हो गया मेरा रात को सोते सोते ना, इसलिए आज सुबह लेट से उठा। ये देखो मैप देख के साला समझ में नहीं आ रहा कि मुझे जाना किधर है। फ्लाईओवर पकड़ना है कि क्या करना है? चलो फ्लाईओवर ही पकड़ते हैं। तो अभी देखते हैं सामने कहीं पे रुकूंगा, पानी भी भरना है, पानी है नहीं मेरे पास, पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल अभी रिजर्व में गया है, तो इतना सारा कुछ काम बाकी है अभी मतलब। तो मैं आज रुकने वाला, एक कुत्ता, तो मैं आज रुकने वाला हूँ बिहार में। अब बिहार में कहाँ पे वो एग्जैक्टली डिसाइड हुआ नहीं है, तो जहाँ पे अंधेरा होगा वही होगा मेरा ठिकाना। ये आज का पहला टोल, एशियन हाईवे। अच्छा, ये हाईवे का नाम है एशियन हाईवे। सिलीगुड़ी का जो ये पोर्शन है ना, इसको इंडिया का चिकन नेक कहा जाता है। ये एक लौता रास्ता है जिधर से आप नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो। तो ये अगर बंद हो गया ना, तो नॉर्थ ईस्ट पूरा इंडिया से कट हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। पेट्रोल पम्प मिल गया। तेरे दर पे सनम चले आए। कल आसाम में था 97, यहाँ पे 101.9, मतलब 102 ही पकड़ लो। हो जाएगा, गिर जाएगा। 11 लीटर। मैं जो ये रूट से जा रहा हूँ ना, यहाँ से नेपाल बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है। ये जगह का नाम है नक्सलवारी। नेपाल बॉर्डर मतलब मैं नेपाल बॉर्डर के साइड होके जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं वेस्ट बंगाल में, थोड़ी देर बाद मैं बिहार में एंट्री करने वाला हूँ। आज मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक है मुजफ्फरपुर और एक है गोपालगंज और एक है गोरखपुर। मुजफ्फरपुर यहाँ से 380 किलोमीटर, गोपालगंज यहाँ से 500 किलोमीटर और गोरखपुर यहाँ से 620 किलोमीटर। तो मुझे लग रहा है कि मैं मुजफ्फरपुर और गोपालगंज के आसपास ही कहीं रहने वाला हूँ आज। अभी ऑलरेडी 9 बज चुका है और यहाँ से गोपालगंज दिखा रहा है कि 11 घंटा लगेगा, तो मैं तो उधर रात को राइड करूँगा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। ये शायद बिहार का एंट्री है या क्या का, पानी टंकी जगह का नाम है ये। बंद किधर से जाना है? मुझे जाना है मुजफ्फरपुर। ये ओवर ब्रिज में आपका रहा ना, ओवर ब्रिज का तो नीचे से रास्ता था ना। हाँ, और ये बिहार है, वेस्ट बंगाल कस्टम है ये। वो साइड नेपाल, ये नेपाल है लिखा हुआ है ना, पढ़िए ना ऊपर में नेपाल कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, काठमांडू। ओके, सही है। उधर देखो काठमांडू लिखा हुआ है, 450 किलोमीटर। ये बॉर्डर है वेस्ट बंगाल और नेपाल का। 6 महीना हुआ है, नया बना है, आदमी लोग उधर से जाता है और टेड इधर से चलता है। अच्छा, मतलब गंजाम नहीं हो रहा है। हाँ, बहादुरगढ़ से एकदम अररिया, अररिया से दरभंगा। हाँ, दरभंगा से मुजफ्फरपुर। अच्छा, ठीक है चलते। तो ये पूरा मतलब नेपाल जाने का एंट्री मतलब ये जगह, समझ रहे हो। ये वैसे वेस्ट बंगाल साइड में है, नेपाल तो उस साइड रह गया। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हैं, नेपाली करेंसी। चलो गलती से ही आ गया, लेकिन अच्छा जगह आया, कुछ देखने को मिला मुझे नया। थोड़ा देर के लिए मोबाइल बंद कर लिया था मैंने और उसी टाइम गलत रूट से चला गया। चलो कोई बात नहीं। पानी टंकी जगह का नाम सुना लग रहा था, क्योंकि जब मैं नेपाल गया था उस टाइम रिसर्च करने टाइम ये नाम सामने आया था। मतलब अररिया, मुझे अररिया होकर जाना है। अररिया यहाँ से 109 किलोमीटर। आई थिंक मेरा बिहार में एंट्री हो चुका है। ये है NH 327। मुझे लगा वाइड रोड होगा, ये रोड गांव के अंदर अंदर से लेके जा रहा है। ये शायद बिहार में एंट्री हो रहा है। ये क्या है, रस्सी? भैया ये क्या बन रहा है? पटुआ। पटुआ काट, उससे क्या मतलब रस्सी बनाओगे ना?
पे क्या बनता है, रस्सी बनता है, हाँ बोरा बनता है, ये अभी सूख रहा है, फिर बाद में दुकान में वो भेज दोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बहुत परेशानी है। हाँ हाँ, इसी से वो निकलता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मेरा कुछ सामान गिरा है, इसलिए हमने ले लिया है यू टर्न। ये जो मेरा टैंक बैग का चेन है वो खुला था और मैंने ध्यान नहीं दिया तो उड़ के गिरा। प्रॉब्लम से ख़त्म नहीं हो रहा है मेरा, अब क्या गिरा एक्चुअली वो भी पता नहीं है ना मुझे। इतना जल्दी गिरने के बाद कैसे गायब हो गया? वॉलेट है, मोबाइल है, चलो अभी ये सब। काफ़ी स्पीड में था मैं। भैया कुछ गिरा था क्या, कुछ गिरा था क्या बाइक से? देखा नहीं, देखा ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। बाद में जाके अगर कुछ चीज़ मिसिंग हुआ तब मुझे पता चलेगा कि हाँ यही गिरा था। ओ शिट, बारिश आ गया अचानक से, कहीं पे रुकना होगा। प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड में खेत है तो रुकने का भी जगह नहीं है। यहाँ से इस टाइप का रास्ता मिलेगा कि थोड़ा बड़ा मिलेगा? अररिया बोलता है। अररिया, हाँ वहाँ जाकर के आपको कंफर्ट मिलेगा। फुल मतलब और 80 किलोमीटर बाद। ठीक है चलते। हाँ थैंक यू थैंक यू, चलते। बारिश हो गया अचानक से तो यहाँ पे शेल्टर के लिए आया था, रेनकोट पहन लिया, बैक कवर लगा दिया, अभी निकल रहा हूँ फिर से। तो एक्चुअली इनके साथ ये बोल रहे थे कि चाय वाय पी के जाने के लिए, लेकिन मेरा जैसे आप लोगों को पता लेट हो चुका है और 60 किलोमीटर सिर्फ चलाया होगा 2 घंटे में, अभी 10:30 हो रहा है अभी टाइम। प्रॉब्लम्स हुआ आज काफ़ी, ब्रेकफास्ट करने का सही से जगह नहीं मिला जिस टाइप का ढूंढ रहा था। फिर पीछे में जो लगेज है वो एक गिर गया, फिर टैंक बैग का कुछ सामान गिर गया। टैंक बैग का तो क्या गिरा वो तो पता नहीं चला मुझे। कोई बात नहीं, इसी यही सब प्रॉब्लम्स के साथ ही तो आगे बढ़ना है बस। मुझे लगता है आज पूरा दिन बारिश ही मिलने वाला है, वेदर रिपोर्ट देखा था तो वैसे ही दिखा रहा था एक्चुअली। वाह क्या मस्त है दोनों साइड में। जितना प्रॉब्लम्स होना है सब इधर ही हो जाए तो अच्छा है, उधर लद्दाख में जाके मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो ये हम पहुंच गए बहादुरगंज और अररिया यहाँ से 44 किलोमीटर। ये देखो सागर फैमिली रेस्टोरेंट, इसके लिए कब से मैं वेट कर रहा हूँ, लास्ट 5-7 किलोमीटर से या फिर 10 किलोमीटर होगा शायद, 10 किलोमीटर से ये बोर्ड लगा हुआ है। मैंने सोचा पास में है, पास में है, पास में, अभी तो मतलब अभी भी नहीं मिला। मतलब इससे पहले 4 बोर्ड क्रॉस कर चुका हूँ सागर रेस्टोरेंट का। ये है होटल व्यंजन वाटिका शायद लिखा हुआ है। तो मैं पहुँचा शीतल नगर चौक, यहाँ से अररिया 25 किलोमीटर। तो ब्रेकफास्ट करने रुका था एक्चुअली, तब टाइम देखा कि 11:30 हो गया है तो सोचा एक साथ लंच ही कर लेता हूँ, रोटी और कुछ ऑर्डर किया है खा के उसके बाद निकलेंगे। सागर रेस्टोरेंट वो कहाँ पे? 4 किलोमीटर। कब से बोर्ड लगा हुआ ना सागर रेस्टोरेंट, मैं भूख लगा था सुबह से। ऐसे क्यों करते हो, किलोमीटर लिख दो सागर रेस्टोरेंट। ठीक है, इतना मोटा? ओह मैंने सोचा पतला होगा। कितना है यहाँ पे? 3 दाल फ्राई तवा रोटी। ये एक्चुअली 2 ऑर्डर करने से सही रहता। नहीं ये पैक कर दीजिए, लेके चलो। हाँ ये डाल दिया, थोड़ा चीनी ले लिया, बचा हुआ खाना। ठीक है चलते, ज़्यादा खा लिया नींद आएगा, पूरा भरोसा है। चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम हो रहा है 12 और मुझे तो काफ़ी दूर जाना है, ज़्यादा ट्रेवल हुआ नहीं आज, चलते। तो सिलीगुड़ी से ये देखो फिर से सागर, खाना वाना खा लिया सागर भाई? अभी भी आपका बोर्ड लगा हुआ है। तो सिलीगुड़ी से जैसे ही निकला उसके बाद से ढंग का होटल मिल नहीं रहा था मुझे, अभी आके यहाँ पे मिला। मतलब रेस्टोरेंट वगैरह तो होगा, नज़र में नहीं आया होगा। इतना गर्मी में ये सब राइड करना बहुत मुश्किल है, बॉडी का एनर्जी पूरा ख़त्म कर देता है। टोलगेट और ये है सागर, अंदर अंदर तो गाली दे रहा हूँ मैं, वीडियो में दे नहीं सकता। बोर्ड लगाया हो ठीक है, लेकिन कितना किलोमीटर दूर है उतना तो लिख देते। अभी वहाँ पे लिखा हुआ था वैसे टोल गेट के पास, अब मुझे क्या पता कितना दूर टोल गेट है। पहुँच गया अररिया। तो अभी सुनने में आया है कि यहाँ से 4 लेन हाईवे मिलेगा,
तो एक रास्ता जाता है लेफ्ट और एक राइट, मुझे राइट वाला रास्ता से जाना है, पूर्णिया वाला रास्ता से जाना नहीं है शायद। भैया मुजफ्फरपुर, 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 मुजफ्फर, मुजफ्फर, अच्छा अच्छा अच्छा। ए, क्या करते हैं ये हाईवे में? क्या ना बाइक्स बहुत है, एक गांव से दूसरा गांव जाने वाले, जैसे यहाँ पे मेरे सामने अभी 3 बाइक है, इधर उधर 10-12 बाइक जा रहे हैं। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा दूसरा किसी हाईवे में तो ऐसा देखा नहीं मैंने। शायद आज रक्षाबंधन है इसलिए लोग ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब बहन के घर या भाई के घर जा रहे हैं शायद, इस वजह से शायद बाइक ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर और 210 किलोमीटर जैसा दूर है, गूगल दिखा रहा है कि 5 घंटा लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 2। अच्छा इधर कुछ पूजा वूजा चल रहा है, खाली पेट चलना पड़ रहा है और रोड में से चलने तो बहुत गर्म लगेगा इसलिए बीच बीच से चल के जा रहे। इनका स्टैंड गिरा हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, बहुत बार। स्टैंड स्टैंड, थोड़ा देर पहले मैंने रेस्ट किया था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया उसका, ऑलमोस्ट 15 मिनट जैसा पेड़ के नीचे सड़क के पास बैठा हुआ था, तो वो जो 10-15 मिनट का जो रेस्ट था उसके बाद एनर्जी मिला मुझे बहुत। इधर रूट बंद है, घूम के जाना होगा। ये निकलेंगे कैसे? मन कर रहा है जैकेट वैकेट उतार दूं मैं। ये बस से गर्म हवा आ रहा है, आप लोग समझोगे नहीं, मतलब वीडियो में पता नहीं चलेगा कितना गर्म है एक्चुअली। दोनों साइड ही बंद हो गया अभी तो। मैं फिर से यूटर्न लिया, उधर एक रास्ता है, ये जाम बोले बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा। किधर से? इधर से आगे जा करके। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने पूछा भी नहीं फिर भी हेल्प कर रहे लोग और मुझे पहचानते भी नहीं, बहुत बढ़िया। उन्होंने खुद से मुझे बोला कि इधर जा नहीं पाओगे, यू टर्न ले लो, ये रास्ता तक आए। और अभी और एक भाई ने दिखा दिया, इनके पीछे जाना है मुझे, इनका पीछे लिखा हुआ है बैड बॉय। तो बिहार के गलियों में गुजरते हुए मिस्टर सिन्हा, तो ये जो इतना भीड़ देख रहा हो ना, ये रक्षाबंधन की वजह से हुआ है, मतलब लोग ज़्यादा निकल गए बाहर। देखो देखो काउंटिंग माइल्स, कहाँ से जा रहे हो तुम? थोड़ा साइड दे दो बस, चले जाते हैं। हाँ चलिए आगे मोड़ पर छोड़ देता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। लोग कितने अच्छे हैं भाई, ऑसम। यही रोड सीधा, अच्छा जिधर जिधर जाएगा ना रोड। हाँ हाँ हाईवे मिल जाएगा, तो हाईवे निकल के लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इधर या उधर? मुजफ्फरपुर जाना है। मुजफ्फरपुर राइट लेना है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? धीरज। ओके ओके चलते हैं, बाय बाय। हाँ चलो निकल तो गए, लेकिन वहाँ पे अटका हुआ था ऑलमोस्ट 20-30 घंटा जैसा। अभी कुछ अलग नज़ारे देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। निकल तो गए हाईवे में, लेकिन यहाँ पे भी तो भीड़ है। हाँ ये तो अटका हुआ है सब कुछ। अच्छा बच गया भाई, बच गए हो, बच गए हो। अभी थोड़ा दूर सामने जाऊंगा, जाके जैकेट वगैरह लगाऊंगा, मेरा वैसे चेन ओपन है जैकेट का। जहाँ मर्जी वहाँ से घुस जाते हैं, चलो घुस रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, वह सब नहीं देखते हैं, डायरेक्ट घुसा जाते हैं। ये कौन सा ब्रिज है ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत सुंदर है, ह्यूज है ह्यूज। इधर अगर कहीं पे वॉशरूम है तो हम रुकेंगे, अभी एक कप चाय चाहिए बस, ज़िंदगी सफल हो जाएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ एक कप चाय। इधर लेफ्ट साइड में बहुत सारा स्टॉल्स है, ये देखो फिर से गिर रहा है। ये कौन सा गाना है बताओ? तो और सिर्फ 150 किलोमीटर जाना है मुझे, वहाँ तक जाके सोचूंगा कि
रुको कि चला जाओ वो बाद में डिसाइड करेंगे। फिलहाल ये शॉप में रुका हूँ चाय पीने के लिए, और गाना मस्त है, बैकग्राउंड में गाना सुनना आप। टाइम हो रहा है 3:30 और मुझे जाना है 150 किलोमीटर। 6-7 बजे तक मैं मुजफ्फरपुर पहुंच जाऊंगा। मुझे इंटरनेट वाला होटल चाहिए जहां पे एटलीस्ट इंटरनेट अच्छा हो। पेट्रोल भर लेते हैं। 105 980 रुपये 9 लीटर पूरा मुंह तक कर दिया पेट्रोल, तो जब बाइक स्टैंड में रखा इधर पेट्रोल गिर गया, अभी भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, सीधा नहीं करने से नहीं होगा। कितना धुआं छोड़ रहा है भाई ये बाइक। मैं दूर से जब देख रहा था ना, मुझे लगा आग वाग जला रहा है कोई। वाह ये पोल्यूशन क्लियर कैसे हुआ? सही है, पटना यहाँ से 100 किलोमीटर, गोपालगंज यहाँ से 130 किलोमीटर, और मुजफ्फरपुर तो पहुँच ही गए 25 किलोमीटर। तो अभी भी अंधेरा हुआ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, आगे चला जाऊँ कि इधर ही रुक जाऊँ, डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। पहुँच गया मैं मुजफ्फरपुर, वैसे और 5 किलोमीटर है, 5-7 किलोमीटर है। मेरा एक्चुअली मन नहीं कर रहा चलाने का, अगर करता मन तो और 100 किलोमीटर जाके मैं गोपालगंज में रुक सकता था। मिलते हैं होटल पे। होटल बुक हो चुका है और ओएसए मैंने बुक कर लिया, 2 दिन के लिए बुक किया, मैं आज रात और कल रात यहाँ पे रुकने वाला हूँ। ये क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है, हैंडल अचानक से क्यों हिल रहा है, क्या स्क्रू वगैरह खुल गया क्या फ्रंट टायर का, बहुत हिल रहा है। सामने का टायर का हवा चला गया, मुझे लग रहा है कि लीक हो गया है टायर, नहीं तो इतना जल्दी ऐसा थोड़ी ना हवा जाता है। ये शायद लीक हुआ है, आप टायर वायर खोल कर लगा सकते हो। हाँ ये बाइक का लगा लोगे? अभी हवा भरवा लिया, होटल जाके फिर से मुझे वापस आना होगा ये पंक्चर रिपेयर करने के लिए। सो मैंने सोचा था कि होटल जाऊंगा थोड़ा रेस्ट करूंगा, लेकिन रेस्ट हो नहीं पाएगा आज, जो हमेशा प्लान करते हैं वो होता नहीं है। हवा भर भर के मैं यहाँ तक पहुँचा, होटल में आ गया। एक्चुअली बुक मैंने किया है ओयो से, और ओयो में जिस तरीका से दिखाया मतलब उसका 10% भी नहीं है ये रूम, और बकवास है। मतलब उधर प्राइस दिखा रहा 2200 रुपये का होटल, डिस्काउंट मिला के 800 में मिल रहा है ऐसा दिखाया। मतलब मैं भी खुश, तो ये रूम मतलब 500-600-700 रुपये का रूम है ये, तो कुछ नहीं मतलब क्या कर सकते हैं। तो अभी और गलती नहीं करूँगा, इससे अच्छा कि बिना ओयो का ही मैं बुक कर देता, वो ज़्यादा बेहतर होता। और कल सुबह सुबह मुझे बाइक को ठीक ठाक करना है, और कल पूरा दिन रहूँगा यहाँ पे, ऑफिस करूँगा, और परसों सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा, और खाना ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन। लक थोड़ा बहुत अच्छा ही है मेरा, मैं अगर मुजफ्फरपुर नहीं रुक के और भी उधर चला जाता तो हाईवे पे कहीं पे मेरा ये सब पंक्चर वगैरह हो जाता। एक्चुअली पंक्चर तो पहले से ही हुआ था, पता चला मैं जब उधर एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था ना, जब बाइक चलता है ना उस टाइम जो हवा कम होता है वो पता नहीं चलता, जैसे ही बाइक रुक गया उसके बाद पता चलता है। तो वही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, होता है ये सब ट्रिप में ऐसा होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये ट्रिप में मतलब मेरा प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो रूम दिखा देते हैं, बकवास। उधर वॉशरूम है, इधर मेरा सामान रखा हुआ है, ये बिस्तर, यहाँ से लेके यहाँ तक रूम ख़त्म। और ओयो बोल रहा है ये रूम का दाम है बोले 2300 रुपये, 2300 या 2400 दिखा रहा है। चलो खाना ऑर्डर कर लिया, खाना होटल पे नहीं मिला, वहाँ से स्विगी से ऑर्डर किया, फ्राइड राइस, पनीर चिली और सुबह का जो 2 रोटी था। मुझे लगा ये सख्त हो जाएगा लेकिन नरम है अभी भी, और इसमें भी राइस है, फ्राइड राइस। इधर डेटा कॉपी हो रहा है, ये गोप्रो का मेमोरी कार्ड इसमें लगा हुआ है, और 2 हार्ड डिस्क है, ये एक है और उधर एक है, दोनों में सेम चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बाई चांस कुछ हो गया इसका तो वो बैकअप रहेगा, मतलब समझ रहे हो बात। तो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।